नमस्कार। सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में टेक्स्ट बुक को हमने शुरू किया था। उसकी पहली एकांकी एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के दो व्याख्यान से संबंधित भाग आपको आयोजित कर चुका हूँ। आज तीसरे और अंतिम भाग को हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण अंश हैं, एक तो उनका अध्ययन करेंगे और दूसरे कि आप अपने समक्ष किताब जो टेक्स्ट बुक आपकी है उसको खोलकर अवश्य रखें। अब तक इस एकांकी में जो एकांकी का कथानक हमारे सामने आया है वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इस एकांकी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सामाजिक और एक समस्या प्रधान एकांकी के रूप में एक तोले अफीम एकांकी का चित्रण कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने दहेज की समस्या और एक वैचारिक जो द्वंद है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का, उसका उस कथानक का हमें विकास दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की इस एकांकी का जो मूल पात्र है मुरारी, वह अपने पिता के द्वारा एक अनपट और गंवार लड़की से जिससे उसका विवाह करना चाहते हैं उसके संदर्भ में वह पूरी तरीके से असहमत है और उसके पिता एक लालची है व्यक्ति हैं लाला सीताराम जो अफीम के व्यापारी है और मुरारी आधुनिक विचारधारा का युवक है और उसके अपनी अरमान उसके अपनी भावनाएं हैं और यही इस एकांकी के कथानक का एक महत्वपूर्ण भाग हमारे सामने उपस्थित होकर आया है। अब इस पृष्ठ संख्या 41 के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि विश्वमोहन और मुरारी की जो आपसी बातचीत है वह इस प्रश्न संख्या 41 में विशेष रूप से हमारे सामने आ रही है, जिसमें विश्वमोहिनी मुरारी की दुकान जाती है और अपनी माताजी के बीमार होने का कह करके अफीम मांगती है। लेकिन विश्वमोहिनी और मुरारी की जो बातचीत है उस प्रसंग में एक मुख्य बात जो हमारे सामने आती है कि मुरारी थोड़ा इस तथ्य को समझने का प्रयास करता है कि यह जो लड़की है विश्वमोहिनी जो अफीम मांग रही है, क्या अपने सही कार्य के लिए अफीम मांग रही है या उसका कोई अन्य उद्देश्य है। इस तरह से वह एक द्वंद की स्थिति में भी यहाँ आता है और थोड़ा सा हमें इस तथ्य का परिचय होता है केवल, लेकिन उससे पूर्व में इसके अंतर्गत पहले वो अपना परिचय प्राप्त करता है विश्वमोहिनी से, जो इस प्रश्न संख्या 41 का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका अंश आप देखें, मुरारी क्या कहा आपने? विश्वमोहिनी कुछ नहीं। मुरारी क्या नाम है आपका? विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी हजी हाँ, एनी बेसेंट कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। तो इस तरह से विश्वमोहिनी और मुरारी का जो परिचय होता है वह इस एकांकी के संवाद योजना के दृष्टिकोण से यह परिचय बहुत उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि इस बहुत संक्षिप्त संवाद में हम देख रहे हैं इस एकांकी का हमें जो उसकी जो जिज्ञासा और उसकी जो रोचकता है वो बनाए रखने में यह संवाद पूरी तरीके से समर्थ है। इस तरह से आगे जब यह एकांकी बढ़ती है तो विश्वमोहिनी यह कहती है कि क्या आपके पास में इतनी सी अफीम भी नहीं, इतने बड़े अफीम के व्यापारी हो कि आप मुझे एक तोला अफीम ही नहीं दे सकते। इस तरह से वह मुरारी को अपनी बात कहती है कि मुझे यह अफीम बहुत अत्यंत आवश्यक है मेरे लिए। प्रश्न संख्या 42 के अंतर्गत आप यह देख रहे हैं कि जब मुरारी कहता है कि शायद मेरे पास एक ही तोला है जो उसने स्वयं अपने आत्महत्या के लिए उसने बचा रखी थी और मुझे वो उसकी ज़रूरत है, वह यह कहता है कि यूअर नीड इज ग्रेटर देन माइन, अच्छा तो लीजिए। इस तरह से वह जिस अफीम को अपने सुरक्षित रखता है अपने लिए उसी को वह विश्वमोहिनी को दे देता है और
विश्वमोहिनी, धन्यवाद, एक ही तोला है, कितने की भी, यों ही ले लीजिए, आपसे कुछ न लूँगा। इस तरह से विश्वमोहिनी कहती है कि आपने रात में इतनी तकलीफ़ की और मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसके लिए उनके लिए चाहिए, आपसे कुछ न लूँगा। यहाँ जो मुरारी का चरित्र है, उसका व्यक्तित्व है, उसका अंकन करना एक अंगीकार का उद्देश्य लग रहा है। वह एक भावुक सहृदय प्रवण व्यक्ति है जो दूसरों की तकलीफ में सदैव उसके दुख को दूर करने के लिए तत्पर दिखाई देता है। जो स्वयं के लिए रख रखी थी अफीम, एक तो उसको दे देना और उसके पश्चात उससे किसी प्रकार की कोई कीमत न लेना, यह मुरारी की सहृदयता को बताता है। इसी प्रश्न संख्या 42 के अंतर्गत जो अंतिम पेज में जो लिखा हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहले उससे पहले का जो परिचय है कि मुरारी विश्वमोहिनी जो बातचीत होती है, मुरारी व्यग्रता से कहता है कि यह क्या किया विश्वमोहिनी, आत्महत्या, अरे तो मेरे यहाँ क्यों, मैं भी अभी डॉक्टर बुलवा सकता हूँ। विश्वमोहिनी, ओह ईश्वर, मेरे लिए मत बुलाइए। जिस अफीम को अपने लिए रखता है आत्महत्या के लिए, अपने सामने ही विश्वमोहिनी नामक जो स्त्री पात्र है इस एकांकी में, वह उसको उस अफीम को लेते हुए जब देखता है तो वह कहता है कि यह क्या कर रहे हो आप। इस तरह से मुरारी का जो यह अगला कथन है, यह आपके व्याख्या और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिताजी, मुरारी कहता है, पिताजी दृष्टा क्षमा कीजिए, विवाह के लिए आपको अपनी सारी जमींदारी बेचनी पड़ती, 6,000 रुपये आप कहाँ से लाते, आप तो भिखारी हो जाते, इससे अच्छा यह कि मैं भगवान की शरण में जाऊँ। अब आप निश्चित हो जाइए, आह यदि मेरे बलिदान से हिंदू समाज की आंखें खुल सकती है, आपकी विश्वमोहिनी, कितनी भयानक बात। मुरारी को विश्वमोहिनी यह पत्र देती है कि इस तरीके से वह एक प्रकार से स्वीकृति पत्र वह देती है कि मैं इस प्रकार का यह कार्य कर रही हूँ। लेकिन इस कथन में जो यह पंक्ति आई है आपके सामने कि हिंदू समाज की आह यदि मेरे बलिदान से हिंदू समाज की आंखें खुल सकती, विश्वमोहिनी अपने बलिदान से हिंदू समाज की जो आंखें खोलने चाहती है, वह आंखें किस रूप में है, प्रश्न यदि हम लघुतरात्मक देखें तो वह है कि समाज में जो प्रचलित जो एक समस्या है दहेज की या विवाह की जो समस्या है, जिसमें माता पिता के द्वारा बेमेल विवाह भी कर दिया जाता है, उस समस्या की ओर हमारा ध्यान एकांकिकार ने विशेष रूप से आकृष्ट किया है। पर इस अवतरण में यदि हम देखें तो विश्वमोहिनी जो कि एक मुरारी की तरह पढ़ी लिखी युवती है, परंतु उसके पिता के पास में उसके विवाह योग्य धन नहीं होने के कारण से वह मुरारी की दुकान पर अफीम आती है और अफीम लेकर अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना चाहती है, और वह यह बहाना करती है कि उसकी जो माँ है उसके लिए उसको अफीम चाहिए। अपने पत्र में वह पिता को लिखती है, जो पत्र वह अपने पिता के लिए लिखती है वही पत्र वह मुरारी को दिखाती है, जिसमें वह लिखती है कि मेरी दृष्टता को आप क्षमा कर दीजिए, आपने दृष्टता का से यह है कि जो मैं यह कृत्य कर रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बहुत बड़ा किया, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ, पितृ ऋण है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैं यह दृष्टता कर रही हूँ, अतः और लेकिन आपको मेरे विवाह की जो चिंता है वह दिन रात आपको सताई जा रही है, इसलिए मैं यह अफीम खाकर अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूँ। वह पत्र में यह बात लिखती है कि 6,000 रुपये आप कहाँ से लाएंगे मेरी शादी के लिए। तो शादी में जो लोगों के द्वारा मांग की जाती है ना, उसके कारण से विश्वमोहिनी की शादी नहीं हो रही है, और यहाँ तक कि वह यह लिखती है कि आप चाहे पूरी सारी जमींदारी बेच दें तो भी यह संभव नहीं है। यह इस एकांकी के यहाँ मूल जो उद्देश्य है एकांकी का, उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है, और वह है कि समाज में जो दहेज की समस्या है ना, उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, इस ओर हमारा ध्यान एकांकीकार ने आकृष्ट किया है। क्योंकि जिस समय की एकांकी लिखी गई है, उस समय 6,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती है। यह एकांकी जो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है, यह
40 के दशक के आसपास की एकांकी है। जो आप कल्पना कीजिए कि लगभग ना 90 साल या इस एकांकी को लिखे हुए हो गए हैं। इस कारण से यह एकांकी बहुत एक प्रासंगिक एकांकी भी दिखाई देती, इतनी पुरानी होते हुए भी वह प्रासंगिक, हमें प्रासंगिक दिखाई देती है, क्योंकि 6,000 रुपये जो इंतजाम उसके पिताजी को करना पड़ रहा है वह एक बहुत बड़ा झंझट था। और काश इस आत्महत्या से हिंदू समाज की आंखें खुल जाएं और दहेज की समस्या जो है कि एक पिता अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण से अपने बेटी के विवाह में इतना दब जाता है और इतना दबने के बावजूद भी वह पूरी तरीके से शादी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, इस समस्या की ओर हमारा ध्यान डॉक्टर वर्मा ने दिलाया है। प्रस्तुत जो अगला अवतरण है 43, उसके अंतर्गत आप इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखें जो मैं सारांश आपको उसको बता रहा हूँ कि विश्व मोहिनी और मुरारी की जो आपसी जो बातचीत होती है आगे, उसमें इन दोनों के बीच में एक घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों के मध्य ही एक महत्वपूर्ण समस्या आती है, वह यह कि दोनों के ही विवाह एक लालची व्यक्तियों के कारण से संभव नहीं हो रहे हैं। एक तरफ मुरारी का पिता और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी के शादी के लिए दो उसके पिता से मांगने वाले जो लोग हैं पैसे आदि, उसके कारण से विश्व मोहिनी की शादी नहीं हो रही है। तो विश्व मोहिनी और मुरारी की जो बातचीत है उसमें जो प्रसंग है वह उनके आपसी घनिष्ठ मित्रता का, और फिर पहले विश्व मोहिनी परिचय अपना दे चुकी है, इस पृष्ठ में मुरारी अपना परिचय देता है, मुरारी मोहन, और वह भी विवाह नहीं करना चाहता और वह भी इस समस्या की ओर उस विश्व मोहिनी को अपना ध्यान आकृष्ट करता है। दोनों इस पृष्ठ संख्या 43 के अंतर्गत दोनों अंत में इस बात पर सहमत होते हैं कि हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मुरारी जो कहता है कि आत्महत्या न करना मुरारी मोहन, मैं ही अकेली काफ़ी हूँ, लेकिन अफीम का कुछ असर मुझे मालूम नहीं पड़ रहा अभी तक। इस तरह से वह कहती है कि तुम आत्महत्या मत करना, मैं ही इसके लिए, इस समस्या के लिए काफ़ी हूँ। पृष्ठ संख्या 44 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि विश्व मोहिनी और मुरारी की जो बातचीत है उस बातचीत में अब जो प्रसंग हमारे सामने विशेष रूप से आया हुआ है कि विश्व मोहिनी आप आत्महत्या नहीं कर सकते, मैं करूँगी। मुरारी, नहीं मैं करूँगा। विश्व मोहिनी, यह नहीं हो सकता, आपकी परिस्थितियाँ सुधर सकती है, मेरी नहीं। मुरारी, नहीं आपकी परिस्थितियाँ सुधर सकती है, मेरी नहीं। विश्वमोहिनी, नहीं दीजिए मुझे अफीम। मुरारी, नहीं दूंगा। विश्वमोहिनी, नहीं दोगे तो मैं, मुरारी, क्या करेंगी आप। इस तरह का ये जो प्रसंग है यह कथानक को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है यह संवाद, और साथ साथ में इस चरित्र को, दोनों का जो चरित्र है विश्वमोहिनी और मुरारी, उन दोनों के चरित्र की ओर भी हमारे को स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है। एकांकी का जो उद्देश्य है वह इन दोनों की बातचीत से स्पष्ट हो रहा है। तो किसी भी एकांकी की जब हम समीक्षा करते हैं तो एकांकी के संवाद योजना का प्रश्न अलग से भी परीक्षा में बनकर आता है कि जैसे मान लीजिए 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी की संवाद योजना को स्पष्ट कीजिए, तो उपयुक्त जो उदाहरण है वह स्थान स्थान पर आपको उदाहरण परीक्षा में लिखने होंगे, और इस तरह के जो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ वे उदाहरण याद करने के दृष्टिकोण से भी सरल होंगे, और दूसरे जो इस एकांकी के सारे तथ्यों को, एकांकी के जितने भी तत्व हैं उन समस्त तत्वों को पूर्ण करने में ये संवाद सक्षम दिखाई देते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 45 के अंतर्गत हम देख रहे हैं विश्व मोहिनी कहती है कि नहीं सुल सकता, संसार स्वार्थी है, पापी है। नहीं मुरारी, सारा संसार स्वार्थी नहीं, पापी नहीं, शांत हो, देखिए उठाइए अपना यह रुपया। जो मूल बात अब हमारे सामने आती है कि दोनों इस तथ्य पर चर्चा करते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार की जो ये सबसे बड़ी समस्या है दहेज की समस्या, इसमें अधिकांशतः लोग इस कारण से हैं क्योंकि लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। तो एकांकी के इस भाग में हम देखें, पूरे जितने भी भाग हमारे सामने आए हैं उसके अंतर्गत जहाँ तक भाषा की बात है तो पूरे एकांकी में डॉक्टर वर्मा की जो भाषा है वह बहुत ही सरल, सहज और प्रभावी हमें दिखाई देती है। एक संप्रेषण जो होता है भाषा में जिसके माध्यम से पाठक या दर्शक तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाने की जो क्षमता होनी चाहिए एकांकी में, वह पूरी तरीके से 10 एकांकी में हमें दिखाई देती है।
हम पृष्ठ संख्या 45 में आप इस पृष्ठ को देखें मुरारी, तो आप एक काम कर सकती हैं, आपके पिताजी मेरे पिताजी को जानते ही हैं, उनके द्वारा मेरे पिताजी से कहना था कि अगर मैंने कभी शादी की तो मैं बिना दहेज के करूंगा, यदि ऐसा ना होगा तो इस समय तो नहीं उस समय अवश्य आत्महत्या कर लूंगा। मुरारी अब कहाँ, इस एकांकी का जो आरंभ है उसका जो विकास है वह हमारे सामने स्पष्ट हो चुका है, अब इसका अंत उसकी चरम परिणति है वह हमें दिखाई दे रही है। मुरारी विश्व मोहिनी को कहता है कि आपके जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आप अपने पिताजी को है ना आपके साथ मेरी शादी के लिए कह दीजिए, अगर उस समय उन्होंने कुछ मना किया या कुछ भी ऐसी बात कही तो मैं बिना दहेज के शादी कर लूँगा, उनको यह कह दीजिए, और यदि ऐसा ना होगा तो उस समय मैं अवश्य आत्महत्या कर लूँगा। यानी स्पष्ट रूप से वह यह कहता है कि एक दो जो स्त्री और पुरुष पात्र हैं वह स्पष्ट रूप से इस समस्या का निपटारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दहेज की समस्या से मुक्ति के लिए क्यों ना हम दोनों एक होकर अपनी शादी कर लें, इससे समाज की आंखें तो कम से कम खुल सकें, जो लोभ और लालच के कारण से दोनों के विवाह में अड़चने आ रही थी वह दूर हो सकती है। यह बतलाइए, विश्व मोहिनी का यह कथन कि यह बतलाए कि आपको यह कैसे मालूम हुआ कि मैं आत्महत्या करने के लिए अफीम ले रहा हूँ, मैंने तो अपनी माँ की बीमारी की बात कही, पूरी जो पूर्व में प्रसंग में मैंने आपको संबोधित किया था कि मुरारी को यह संदेह होता है कि वह गलत कार्य के लिए अफीम मांग रही है, वह बात यहाँ पर पूरी तरीके से स्वयं विश्व मोहिनी के कथन से स्पष्ट हो जाती है। और मुरारी का यह कहना कि आप उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी, नाम बताने से भी थोड़ा इनकार कर रही थी कि किसके लिए क्यों चाहिए, और अफीम खाने के अनुभव की जो एक ज़रूरत है उसमें आप जिस तरह की जो संबंधित सारी बातें कर रही थी उससे मुझे संदेह हो गया था कि आप इस क्षेत्र में पक्के व्यक्ति नहीं हो, कच्चा आदमी खा ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ, मैंने तो आपको हर्रे की गोली दी, आपने ले ली, अफीम और हर्रे में कोई तमीज ही नहीं, अर्थात इन दोनों में कोई आपस में संबंध ही नहीं है। जानबूझ करके मुरारी के द्वारा विश्व मोहिनी को अफीम की जगह हर्रे की गोली दी, दहड़ की गोली दे दी जाती है, और इससे उसका कुछ नहीं होता है क्योंकि इन दोनों में आपस में किसी प्रकार का कोई मतलब ऐसा दिखने में दोनों एक समान दिखती है लेकिन अंतर की दृष्टिकोण से देखें तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उसको हड्ड की गोली खाने से किसी प्रकार का शरीर में कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए मुरारी के द्वारा विश्व मोहिनी को यह हड्ड की गोली दे दी जाती है। विश्व मोहिनी, और आपको वक्त पर हर्रे की गोली मिल भी गई, मुरारी मिलती क्यों ना, आत्महत्या करने वालों से कभी कभी ईश्वर डर जाता है। मुरारी, चौकीदार कह रहा है जागते रहो, और कितनी देर जागते रहे, 11 तो बज गए होंगे। मुरारी, विश्व मोहिनी जीवन भर, मुरारी जीवन कितना बड़ा, या ये प्रसंग थोड़ा महत्वपूर्ण है इसको देखें, मुरारी जीवन कितना बड़ा, जीवन दुख दर्द से भरा, पढ़ने की चिंता, कमाने की चिंता, स्त्री की चिंता, प्रेम की चिंता, ओह मैं कहाँ की बात ले बेटा, हाँ मैं आपको मकान भिजवा दूँ। अब जब रात को इतनी देर हो चुकी है और चौकीदार के द्वारा कहा जा रहा है कि अब आवाज़ें दी जा रही है जो संबोधन, उसके बाद विश्व मोहिनी कहती है कि हमें तो लगता है कि जीवन भर ही जागते रहना पड़ेगा। मुरारी कहता है कि जीवन भर क्यों, क्योंकि हमें पढ़ने की चिंता, कमाने की और स्त्री की चिंता से यह आशय है कि जो वैवाहिक समस्या है, कि जो एक आधुनिक विचारधारा का जो युवक है अपनी मनपसंद जो स्त्री के साथ शादी करना चाहता है उसमें समाज और परिवार जो बंधन बनता, जो आडन जो उसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसकी ओर संकेत किया गया है मुरारी के माध्यम से। इस तरह से इस एकांकी के पेज संख्या 46 के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो चौकीदार है उसका संबोधन है। विश्व मोहिनी, चौकीदार को क्यों पुकार रहे हो, वो कहती है तो मुरारी कहता है आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस में खबर भेजनी है, आत्महत्या करना चाहती थी। विश्व मोहिनी, बुलाइए पुलिस को, मैं भी आपको गिरफ्तार करा दूंगी, आप आत्महत्या करना चाहती थी, अफीम आपके पास है या मेरे पास। मुरारी, मेरी तो अफीम की दुकान है, साइन बोर्ड देख लीजिए, लाला सीताराम अफीम के व्यापारी। जिस संबोधन को हम शुरू से व्यक्त कर रहे हैं कि लाला सीताराम अफीम का व्यापारी है, उसको कहानी के अंत में उसको साइन बोर्ड के माध्यम से पूरी तरीके से खोल कर हमारे सामने रखा गया है। एक तरफ विश्व मोहिनी पुलिस को
मुरारी जो है वो विश्व मोहिनी को पुलिस को पकड़वाना चाहता है मुझे, और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी मुरारी को कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस को गिरफ्तार करवा दूंगी। इन दोनों की जो बातचीत हो रही है यह एक सांकेतिक है जो कहानी के जिज्ञासा रोचकता को हमें बढ़ाने का प्रयास करने की ओर लेखक का कदम है। यहाँ दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मैं पुलिस को गिरफ्तार करवाने के, और चाहते दोनों ही नहीं है कि दोनों में से कोई भी गिरफ्तार हो। इस तरह से इस कहानी का जो अंत हमें नज़र आ रहा है कि वह विश्व मोहिनी कहती है कि मैं खुद ही अपने स्वयं अपने घर चली जाऊंगी, और इस तरह से चौकीदार और जो मुरारी की जो बातचीत होती है जिसमें चौकीदार कहता है कि पहरा दे देते थक जाता हूँ, कुछ अफीम तो मिल जाए, कितनी चाहिए हो जो जितनी दे दो, एक तोला भर। चौकीदार क्या कहना, एक हफ्ते तक चंगा हो जाऊँ। चौकीदार अब हुजूर मैं अकेला सारे शहर का पहरा दे सकता हूँ। विश्व मोहिनी इसका नाम नहीं लिखा, मुरारी दुकान का पहरेदार है, जाना पहचाना वह आदमी है, फिर नाम तो बड़े आदमियों के लिखे जाते हैं। विश्व मोहिनी क्योंकि वे ही ज़्यादातर आत्महत्या करने की बात सोचते हैं। यह भी संबोधन है यहाँ पर कि यह दुकान का पहरेदार है, जाना पहचाना वह आदमी है और नाम तो बड़े आदमियों का लिखा जाता है ना। कहने का आशय है कि एक परिवार में एक चौकीदार को कि भी कोई जब कोई विशेष इज्जत लाला सीताराम के द्वारा नहीं की जाती थी। विश्व मोहिनी और मुरारी की जो अंतिम जो बातचीत है उसमें मुरारी कहता है जाने दीजिए इन बातों को, चलो पीछा छूटा अफीम से छोटी सी चीज़ पर कितना बड़ा असर, सिर्फ एक तोला अफीम। अंत में मुरारी का यह कहना सिर्फ एक तोला अफीम, जाने दीजिए एक छोटी सी चीज़ पर कितना बड़ा हमारा असर हुआ, एक तोले अफीम से हमारे दोनों के जीवन पर कितना बड़ा असर हुआ, यह एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को हमारे सामने ला देता है। पूरी तरीके से शीर्षक जो स्पष्ट हो जाता है और उसका महत्व भी हमारे सामने प्रकट हो जाता है। विश्व मोहिनी कहती है और उसकी भी कीमत नहीं मिली मुरारी, मिली ना मिली, बहुत मिली, आप मिल गई। और इस तरीके से इस एकांकी में विश्व मोहिनी प्रसन्नता में लज्जा मिला देती है और दोनों जाने को प्रस्तुत है। पर्दा गिरता है क्योंकि एकांकी एक दृश्य काव्य भी है, तो इस कारण से यहाँ पर अंत में इस तरह का संबोधन देना आवश्यक होता है ताकि एकांकी का जब मंचन हो तब अंत में विश्व मोहिनी को किस रूप में दिखाया जाए और अंत में जो वस्तुएं होती है उसको किस रूप में दिखाया जाए, तो पर्दे के गिरने का संकेत है कि एकांकी के अंत में लेखक ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि रंगमंच के दृष्टिकोण से यह एकांकी पूरी तरीके से सफल रहे और दोनों की जो बातचीत होती है एक तोले अफीम तो उसे मिली या नहीं, उसकी कीमत विश्व मोहिनी कहती है कि उसकी तो कीमत भी नहीं मिली, तो मुरारी अंत में कहता है कि कीमत मुझे मिली या ना मिली लेकिन आप मिल गई। अंत में दोनों शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इस एकांकी में जो एकांकी के तत्वों के दृष्टिकोण से देखें, कथानक हो, चरित्र हो, संवाद हो, भाषा शैली हो, उद्देश्य हो, रंगमंच हो, तो पूरी तरीके से हमारे सामने यह एकांकी खरी उतरती है। डॉक्टर वर्मा की यह जो सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी है, इस एकांकी में डॉक्टर वर्मा ने एकांकी के सभी तत्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है और एक संदेश दिया है कि विवाह एक पवित्र बंधन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है। उसे इस तरीके से हमारी जो रूढ़ियाँ, जकड़न, हमारे जो रीति कुरीतियाँ, जो बंधन या दहेज की जो समस्याएं, उस वजह से माता पिता के द्वारा जहाँ शादी तय कर दी जाती है, मौन स्वीकृति जो एक मांगी जाती है युवक और आधुनिक युवक युवतियों के द्वारा, वह किसी प्रकार से संभव नहीं है क्योंकि वैवाहिक जीवन एक सुखद जीवन के रूप में बीते। इस कारण से नई पीढ़ी यह चाहती है कि वह अपनी पसंद से शादी करें और उसमें वह अपने माता पिता का सम्मान भी चाहता है और आदर सम्मान बनाए रखते हुए, वह पुरानी पीढ़ी का आदर सम्मान बनाए रखते हुए नई जो पीढ़ी है वह अपने हिसाब से अपने विवाह, अपने वैवाहिक जीवन के सुखद आनंद को जीना चाहता है। यह इस एकांकी का एकांकी में हमारी समस्या जो है दहेज की समस्या, उसको इंगित करते हुए यदि हम देखें तो दहेज मुक्त समाज का जो निर्माण करना एकांकिकार का जो एक उद्देश्य माना जा सकता है इस एकांकी में, उस उद्देश्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा पूरी तरीके से सफल रहे हैं। धन्यवाद।